हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजनस रेसिपी। दिवाली स्पेशल खीर बनाने जा रही हूँ, सिंपल तरीके से, मतलब कम चीज़ों से बहुत ही मस्त बनेगी। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो आइए देखते हैं हमें सिंपल तरीके से खीर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये रहा हमने चावल, 1 कप भिगो लिया था 3 घंटे पहले, ये भीग गया है। 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी चीनी है और फुल क्रीम दूध है 1 लीटर। इसमें ये हमारा पाउडर है, काली मिर्ची दालचीनी का पाउडर है, हमने कूट ली है। ये हमारा तेज पत्ता है। इतने ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें। हम इसमें मावा वगैरह कुछ भी, बादाम वगैरह कोई भी ड्राई फ्रूट्स हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। हाँ, ज़रूर एक चीज़ हम ऐड करेंगे इसमें, मिल्क पाउडर 2 चम्मच के करीब हम मिल्क पाउडर पानी में घोल के हम इसमें बाद में हम डालेंगे। अभी हम इतनी सी चीज़ों से हम अभी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है, सिंपल है पर बहुत टेस्टी है। तो आइए शुरू करते हैं खीर बनाना। और एक बात, चावल हमने छोटी वाली चावल ली है, आप बड़े वाले चावल भी ले सकते हो, कोई सा भी चावल से बनाएं। इस तरीके से बनाएंगी तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं खीर बनाने का प्रोसेस। सबसे पहले दूध गर्म करेंगे हम। इस खीर को एक कुकर में बनाएंगे। आप चाहे तो किसी कढ़ाई में या तो पतीले में बना सकते हो, मैं कुकर में बनाऊंगी। ढक्कन नहीं लगाना है हमें, जैसे हम पतीले में बनाते हैं वैसे ही मैं कुकर में बनाऊंगी। ये मैंने 1 लीटर फुल क्रीमी दूध कुकर में डाल ली है, अब मैं इसको गर्म करने के लिए बिठा दूंगी। ये हमने बिठा दी है गैस पे, इसको उबलने के लिए छोड़ते हैं पहले, उसके बाद हम बाकी का मसाला ऐड करेंगे। दूध में उबाल आ गया है, अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये काली मिर्ची पाउडर, दालचीनी और तेज पत्ता ऐड कर दिया। तेज पत्ता और दालचीनी और काली मिर्ची पाउडर मैं ऐड कर दिया हूँ। अब हम इसमें ये चावल जो हमने 1 कप भिगाया था वो ऐड कर देते हैं। हमने चावल भिगाया हुआ था ऑलरेडी, ऐड कर दिया मैंने। मैंने इसमें चावल भी ऐड कर लिया है, देखिए चावल भी ऐड कर लिया है हमने। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ चीनी, 1 कटोरी चीनी, लगभग 200 ग्राम के करीब हमने चीनी डाल ली है। और हम इसको ऐसे चलाते रहेंगे बीच बीच में, नहीं तो नीचे लग जाएगी। अगर नीचे लग गई तो अच्छी नहीं बनेगी खीर, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, चलाते रहना पड़ेगा। अब हम इसको लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ते हैं। ये देखिए हमारा खीर बन गया है, इसमें हमने मिल्क पाउडर और पानी वगैरह घोल के डाल दिया था, बन गया है खीर। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करते हैं। ये देखिए हमारा खीर बन गया है, कितनी मज़ेदार लग रही है, सिंपल तरीके से टेस्टी, और ये टेस्टी बनती है। आप भी इस तरीके से बनाएं, टेस्टी बनेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।